अपनी इंसल्ट ही करवाई तुमने। बजाय मेरे सामने मेहर अपना भरम रख रही है, लेकिन वो चाल तो उसकी जिंदगी में भी आ ही गया होगा। शायद इन दोनों की किस्मत ही बहुत अच्छी है, वरना उस दिन शबरीज एक्सीडेंट में मर जाता और ये दोनों कभी एक ना हो पाते। इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? बस कह सकता हूं कहीं वो एक्सीडेंट तुमने तो नहीं करवाया? करवाया नहीं, मैंने खुद किया था। फहद को भी किडनैप मैंने ही करवाया था ताकि उसकी मेहर से शादी ना हो सके, लेकिन मेरे सारे प्लान्स पे पानी फिर गया। क्या क्या तुमने शबरीज को मारने की कोशिश की थी? क्यों, आखिर क्यों किया तुमने ये सब? मेहर को हासिल करने के लिए। अच्छा, तो फिर हासिल कर लिया मेहर को? कर लूंगा। तुम दोनों मुझे अपने हवासों में नहीं लग रहे। उन दोनों को अलग करने के लिए हम दोनों से जो बन पड़ा हम करेंगे, लेकिन उन दोनों को चैन से नहीं जीने देंगे। ठीक कह रही है, ये किस्मत बार बार साथ नहीं देती। अब जो मैं शबरेज और मेहर का हशर करूंगा वो आप भी देखेंगे। और तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम बच जाओगे? अब तक तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। शर्म आती है मुझे ये सोचकर कि तुम दोनों मेरी औलाद हो। मैं अभी शबरेज को फोन करके सारी हकीकत बता रही हूँ। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। अगर शबरेज की ज्यादा सगी बनने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। मुझे धमका रहे हो, अपनी माँ को? आप हमारी माँ जरूर हैं, लेकिन हमसे ज्यादा हमारे दुश्मनों की वफादार हैं। मेरा फोन वापस करो, दो इधर, वरना। वरना क्या कर लेंगी आप? वरना मैं वहां जाके उन लोगों को सब कुछ सच सच बता दूंगी। ठीक है, आपने जो करना है कर लें, लेकिन उसके बाद जो मैं अपने साथ करूंगी उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप होंगी।